यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, परीक्षा में धांधली के लगाए आरोप, धांधली के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र, नगरा बाजार में एबीपी ने किया विरोध प्रदर्शन, एसडीएम को पत्र सौंप कर की सीबीआई जांच की मांग, दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर आए छात्र, न्यूज नाइन भारत के लिए कंचन सिंह की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रक्षा जिले द्वारा एनटीए नीट में हुई परीक्षा गड़बड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें एनटीए द्वारा एग्जाम बूझकर जो 14 जून को रिजल्ट आना था वो 4 जून को आ गया। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इसमें एनटीए के ब्यूरोक्रेट की और साथ साथ उनमें बड़े अधिकारियों की मिलीभगत है। एक ही सेंटर से 20-20 बच्चे पूरे अंक में 720 में 720 पा रहे हैं। तो ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि एनटीए ने इस बार गड़बड़ किया है और इसकी उच्चतम जांच होनी चाहिए। यह विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि सीबीआई द्वारा भारत सरकार इसकी जांच कराए और निष्पक्ष परिणाम सबके सामने लाए, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब विद्यार्थी हैं, गांव गरीब, किसान, मजदूर, सबके बच्चे नीट की परीक्षा में बैठते हैं और किन्हीं कारण वो अगर नहीं हो सफलता पा रहे हैं तो वो अपने खुदकुशी का शिकार हो रहे हैं, तो अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। कोटा में भी हमको जानकारी होगी कि गरीब घर की लड़की ने आत्महत्या कर दी, क्योंकि ऐसे धांधली करने वालों की वजह से अगर विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं तो ये देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।